आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भविष्य दर्पण और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। आज शनिवार है यानी कि शनि महाराज का दिन है। आज के दिन शनि ग्रह का आपके जीवन पर किस तरह का और क्या प्रभाव पड़ सकता है, आज आपको ऐसा क्या करना चाहिए घर से निकलने से पहले ताकि आपके कार्य आज सिद्ध हो सके, यही नहीं चमत्कारी अंक आज का क्या रहने वाला है, विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल पा रहा हो तो हमारे नंबर्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे आप उन नंबर्स पे कॉल करके हमसे अपने उन सवालों के बारे में जानकारी, अपनी समस्याओं के बारे में समाधान जान सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो आज बात करेंगे शनि की सारी साथी के बारे में, शनि अढ़ैया के बारे में, मार्केश के बारे में, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपका पंडित प्रभु नारायण शास्त्री जी से। जी, पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, आपको करूंगा और दर्शकों करूंगा जो दर्शक कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और संपर्क करते हैं, सभी दर्शकों बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन दर्शक इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मंगल वंदना के साथ। बिल्कुल, मंगल वंदना करेंगे, परमपिता परमात्मा की आराधना करेंगे और जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं प्रत्येक दर्शकों के, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं जब दफ्तर जाते हैं या किसी यात्रा में जाते हैं तो आपको मंगल वंदना सुनना या मंगल वंदना के साथ अपना स्वतः कर सकते हैं। उनकी आराधना करने से हमारा दिन जो होता है कहते बहुत मंगलमय व्यतीत होता है, शुभकामनाओं के साथ होता है और कहते शुरुआत जब शुभ काम से हो जाए अच्छे समय से तो फिर आने वाला भी जो समय बुरा वक्त होगा वह भी अच्छे समय तब्दील हो जाता है। तो आइए मंगल वंदना करते हैं। ओम मनोजम मारुकतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपते प्रिय भक्तम वात्मजातम नमामि। नमस्कार दर्शकों जी। तो पंडित जी करते हैं शुरुआत और जानेंगे सबसे पहले आपसे शनि ग्रह, सूर्य से छठा ग्रह। जी जी। और सौर मंडल का जी जी एक और दूसरा बड़ा ग्रह है, साथ ही साथ शनि ग्रह ग्रह भी है और देवता भी है, ऐसे जी में जी लोगों के जीवन पर बिल्कुल क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल जी, किससे पहले जी हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। और शनि ग्रह देखिए आपके जीवन दोस्त कैसे चमत्कार करता, कैसे आपके जीवन में शनि ग्रह से आने वाले समय में परेशानियां आती है। शनि ग्रह कहते देवताओं का, देखिए राजा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन सैनिक ग्रह कहा जाएगा, कर्म का दाता कहा जाएगा शनि ग्रह को। और शनि ग्रह कहते अपने कार्य में, अपनी दशा में, महादशा में, उच्च में अपने फल का अलग अलग तरह का प्रभाव देता है शनि महाराज। तो शनि की जिसकी कुंडली पत्रिका में कहते शनि की महादशा चलिए, शनि की साढ़े शादी चलिए, शनि की अढ़ाइया चलिए, ये तीनों विंशोत्तरी महादशाएँ कुंडली पत्रिका में होती है। एक शनि ही ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है दर्शकों कि जो कि प्रत्येक व्यक्ति को साढ़े साथी और अढ़ैया, यानी हर ग्रह में अढ़ैया साढ़े साथी नहीं होती कि आप मंगल की सोचें, सूर्य की सोचें, चंद्रमा की या राहु की, नहीं शनि की ही एक ऐसी महादशा होती है, अढ़ैया होती है और साढ़े साथी जो व्यक्ति जीवन परेशान करती है। परेशानी कौन कौन सी ऐसी परेशानी व्यक्ति जीवन में आती और कौन कौन सा कार्य ऐसा होता है जो बिजनेस के व्यापार के क्षेत्र से देखा जाए, गृहस्थ जीवन से देखा जाए या मान सम्मान तरक्की उन्नति से देखा जाए या घर परिवार से गृह कलेश से देखा जाए तो शनि जो ग्रह होता है देखिए आपको अलग अलग प्रभाव पे उसका फल मिलता है। बिल्कुल अलग अलग प्रभाव से उसका फल मिलता है, उसके बारे में भी हम करेंगे बातचीत। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और फिर अपना सवाल पूछे। जी हेलो। जी जी हाँ, गुरजीत का नाम। जी शुभ आशीर्वाद, आप अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जी मेरा नाम अर्चना सिंह है। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल जी 1988। 9 अप्रैल 1988 जी। समय क्या है आपका? 8:20 सुबह के। 8:20 सुबह को क्या जानना बेटी आपका, सवाल क्या है?
जी मेरी मैरिड लाइफ के बारे में जानना है, मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है और संतान का योग कब तक है? चलिए बहुत सुंदर, देखिए मैरिड लाइफ आपकी देखिए डिस्टर्ब है और संतान के योग के बारे में देखिए, यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा आपको, जो जन्म हुआ है पत्रिका में कुंडली में देखिए वह वृष लगन है और वृष लगन के साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका देखिए दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। यहाँ पे देखिए सवाल बहुत बड़ा सवाल क्या है कि आपकी कुंडली पत्रिका में बेटी जीवन में देखिए संघर्ष चल रहा है, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन हो चाहिए और देखिए वहाँ पे आप पे ग्रह कलेश है और क्यों है आपने देखिए सवाल की पंडित जी परेशानी है, इसका कारण क्या है कि आपकी पत्रिका में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कार्य कार्य देखिए होता मांगलिक कार्य बनाना होता, मंगल कार्य बिगाड़ना नहीं होता, लेकिन कैसे मंगल में अमंगल आ जाता है, अच्छी खासी लाइफ चलती हुई लाइफ पे कैसे विध बाधाएं आ जाती हैं, कारण क्या है कि मंगल के साथ में आपकी राशि में कह रहे आज बात कर रहे थे शनि महाराज का प्रकोप है, शनि महाराज से पीड़ित है आपकी पत्रिका, आपकी राशि में शनि महाराज विराजमान है और जो कि शनि की महाराज शनि महाराज जब कुंडली में हो और अंतरदशा में या विषोत्तरी महादशा में शनि का कहीं भी प्रभाव होगा वहाँ भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएगी। सातवां भाव जो होता है यदि पति पत्नी का भाव होता है वहाँ पे यदि आपकी पत्रिका में कुंडली में किसी की व्यक्ति जातक या जातक की पत्रिका में दाम्पत्य जीवन में अशुभ ग्रहों का योग बन जाए, अशुभ ग्रह उस स्थान पर विराजमान हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कहते हैं मैरिज लाइफ में दिक्कत आनी है। तो आपकी पत्रिका में कुंडली में जो योग है शनि और चंद्रमा का उपाय करना बहुत जरूरी है जिससे आपको जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ग्रह के लिए सुरा उसको खत्म करना। अब बात आती दूसरे सवाल का, संतान का योग नहीं बन पा रहा, तो केतु ग्रह का देखिए संतान के बारे में विशेष करके उपाय माना गया है और गुरु बृहस्पति भी अपना कार्य करते हैं तो यहाँ पे केतु और गुरु बृहस्पति देव कुंडली पत्रिका में योग बना रहे हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि योग बनते हुए योग नष्ट हो जाता है, तो उस योग के लिए आपको संतान गोपाल सास नाम का पाठ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं आप केतु ग्रह की पूजा जरूर करें, केतु का उपाय करना है। उपाय क्या करना है देखिए आपको, केतु के लिए आपको कम से कम 7 बुधवार लगातार आपको 7 बुधवार आपको केतु के लिए दान करना है और दान करने के साथ उसका दिया अवश्य जलाएं, ऐसा करने से आपकी कुंडली लाइफ में जो परेशानी है दूर होगी, लेकिन इसके लिए करना क्या है नियमित तौर पर उपाय आप जरूर करें। बिल्कुल, उम्मीद है अर्चना सिंह जी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा, जो उपाय पंडित जी ने बताया है आप वो उपाय करें और इस तरह से जाहिर सी बात है जी, आप ये नियमित तौर पर अगर उपाय करेंगी तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें जन्म तिथि और जन्म स्थान के साथ। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। बेटे के बारे में जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1991। समय क्या है आपके बेटे का? समय सुबह 6:27। सुबह 6:27। जन्म कहाँ हुआ बेटे का आपका? देहरादून। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। सवाल कीजिए आप। सवाल ये है कि पंडित जी कि मेरा बेटा विदेश में रहता है और वो अपनी नौकरी को लेके परेशान है, तो ये वर्ष उसकी नौकरी के लिए कैसा रहेगा? यानी देखिए आप अपनी नौकरी के लिए परेशान है आप और बेटे के लिए? बेटे की नौकरी के लिए परेशान हूँ, वो वहाँ कनाडा रहता है जी, जी तो वो अपनी नौकरी के लिए परेशान है, तो उसका क्या रहेगा? देखिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपका बेटा कितने साल हुए कनाडा गए हुए? 8 साल से कनाडा रह रहा। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा आपके बेटे की कुंडली का जो देखिए योग है यहाँ पे और पत्रिका देखिए बहुत ही सुंदर है, यानी दो भाव में देखिए 3-3 ग्रहों का योग बना हुआ, लग्नेश में देखिए आपके बेटे की पत्रिका में 3 ग्रहों का योग है और दूसरे स्तर धन के योग भी पत्रिका में 3 ग्रहों का योग है। अब बात यहाँ पे सवाल आती है, पंडित जी कुंडली तो बहुत सुंदर है, पत्रिका बहुत सुंदर है, ग्रहों का योग ही बहुत ही सुंदर है, लेकिन विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा? शुक्र की महादशा सूर्य और चंद्रमा है, यानी कैरियर के लिए और विवाह के लिए दोनों के लिए शुक्र ग्रह का विचार किया जाता है, तो लेकिन यहाँ पे आपका सवाल है कैरियर के लिए बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। मिथुन लगन के जातक है, जातक जिसकी कुंडली पत्रिका में केतु और बुध और सूर्य का योग होगा, ऐसे जातक विदेश यात्रा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, फॉरन जॉब लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन कर्मेश का स्वामी आपकी कुंडली पत्रिका में शनि महाराज बकरी होकर के विराजमान है, वह आपके जीवन को संघर्ष करा रहा है। नौकरी व्यक्ति की लग जाती है, नौकरी का छूट जाने के पश्चात 6 महीने 7 महीने 1-1 महीने 1-1 साल तक व्यक्ति को वेट करना पड़ता है,
तो ऐसी स्थितियां जो आपके अनुकूल बनी हुई हैं, यहाँ पे देखिए आपको शुक्र और सूर्य का योग है कुंडली में, वह दर्शाता है कि आपके लिए संघर्ष करा रहा। समय देखिए आपके बच्चे का जो है 7.5 साल का समय निकल गया है, थोड़ा सा और समय बचा हुआ है। 24 अप्रैल के पश्चात आपकी बेटे की स्थितियाँ बहुत सुंदर हो जाएंगी, लेकिन नियमित तौर पे जो जिस तरह का परेशानी अभी चली, ऐसी परेशानी दोबारा ना आए उसके लिए आपको करना क्या है, जी शुक्र ग्रह की पूजन करें और शुक्र ग्रह कम से कम 7.5 रत्ती का एक इसको उपल पहना के रखें आप, और शनि महाराज के लिए आप नीलम इसको पहनाएं, तो बहुत अच्छे कारगर इसके योग होंगे और आने वाले समय में इसका नौकरी का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। और बुधवार को बुधवार वाले दिन आपको पन्ना इसको पहना के रखें, 3 नग पहनाएगी, पीछे मुड़ करके आपके बच्चे को नहीं देखना, 20 साल तक करो समय रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा जी। तो इस तरह से दर्शकों, अगर आपके मन में भी आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई सवाल है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है, जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है पंडित प्रभु नारायण शास्त्री जी। आप अपने सवाल उनसे कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान, उनका हल। तो चलिए पंडित जी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस चमत्कारी अंक की, जिसे अगर दर्शक अपनी एक पेपर पर लिखकर पॉकेट में रखेंगे तो आज उनके सभी काम बन जाएंगे, लेकिन शर्त एक है कि वो नंबर किसी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, बताएं पंडित जी। बिल्कुल, देखिए आपको चमत्कारी अंक के बारे में बताया जाएगा, करना क्या है देखिए, आज आपको देखिए, आज कहते हैं शनिवार है और शनिवार वाले दिन कहते हैं शनिदेव की पूजा प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, तो आज आपको ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनय नमः इस मंत्र को यदि आप भोजपत्र के पेपर में लिख कर इस मंत्र को अपने पास में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको रहेगा। और दूसरी बात क्या है देखिए, जो चमत्कारी अंक दर्शक जो देखते हैं कि अंक का अंक क्या हुआ, उसको गुड लक भी हम बोल सकते हैं, तो आज आपके जीवन देखिए 31 यानी 31 नंबर जो होगा आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा और यह उपाय आपके लिए आने वाले समय के लिए सही रहेगा। और उन लोगों के लिए देखिए उपाय करना क्या है देखिए, जो शनि ग्रह से परेशान है, शनि की महारसा से परेशान है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता, बेटा माता पिता की बात को नहीं सुन रहा है, बिजनेस व्यापार में कोई ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही, अच्छा खासा बिजनेस शुरुआत किया लेकिन कोई तरक्की नहीं उसकी दिख रही है, बच्चा बार बार नंबर लेकर के रहा फिर भी उसको काम नहीं हो पा रहा, जो शनि से पीड़ित हैं, शनि मंदिर में डेली जा रहे हैं, शनि के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। शनि का आप दिया देखिए मंदिर में अक्सर जलाते हैं, लेकिन दिया कैसे जलाना चाहिए कि चौमुखा दिया हो आपको, उसमें 4 बत्तियों वाला आपको दिया जलाना है और उसमें सरसों का तेल ही डालें या अथवा चमेली का तेल भी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल और चमेली के तेल शनि महाराज को बहुत ही प्रिय है और उनको दिव्य वस्तु प्रिय होती है, और उसमें 11 उड़द के दाने आप उसको डाल लें, 11 उड़द के दाने जब उसके अंदर डालेंगे तो उससे क्या है, शनि महाराज को उड़द भी बहुत प्रिय है, यह उपाय आप करना अनिवार्य है। और शनि चालीसा का विशेष करके जो लोग परेशान होते हैं कि पाठ करना है, तो आपको शनि चालीसा का पाठ करें और नीली शाही वाला दिया आपको चालीसा मिल जाए लिखा हुआ पुस्तक में, उस शनि चालीसा से आप पाठ करें, आपके जीवन में शनि की महारसा, शनि जो परेशान है उससे आपको फायदा मिलेगा। कहते हैं कि शनि यदि आपकी कुंडली पत्र आप प्रसन्न रहेगा तो राजा से रंक बना देगा, रंक से राजा बनाने उसको वक्त समय नहीं लगता, क्योंकि न्याय का देवता है शनिदेव और कर्म का स्वामी विशेष करके शनि ग्रह को माना गया, और कर्म और न्याय में कहते बिल्कुल, और यही जानेंगे और ज्यादा पंडित जी से। तो चमत्कारी अंक आपने जाना, आज का है 31 और विशेष उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी जिस तरह से आप बता रहे थे कर्म क्षेत्र पर शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में, काल पुरुष का दंडाधिकारी भी ने कहा जाता है, बिल्कुल यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसको तुरंत वैसा फल देते हुए सावधान करते रहते हैं, साथ के साथ सावधान करते हैं, शनि देखिए न्याय की देवता ही बताएगा अच्छा या बुरा, जो भी कर्म व्यक्ति करेगा उसको तुरंत उसका फल उसके हाथों में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जानना जरूरी, देखिए आप बिजनेस व्यापार है या आपको सेहत से आप परेशान चल रहे हैं, शनि महाराज की देखिए महाराज चली, शनि की 7.5 चल रही है और सेहत से आप बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और शनि कब परेशान करता देखिए नौकरी के लिए जॉब के लिए विशेष करके शनि की महादशा होती है, शनि से शारीरिक कष्ट भी देखिए होता है, अष्टम का शनि यदि आपकी विराजमान कुंडली में होगा तो आपको कहते हैं अष्टम जो हुआ तो सेहत के लिए होता है, वह कमर से संबंधित आपको परेशानी रहेगी, शनि आपको परेशान करेगा वहाँ पर, सेहत आपकी हमेशा बनी खराब रहेगी। और यदि यह शनि महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान तो आप कैरियर से आपको परेशानी आएगी, आपको आपकी अच्छी खासी नौकरी चलती हुई आपकी नौकरी का छूट जाना और फिर दोबारा नौकरी को आपको नहीं मिलना, ये परेशान आपको करेंगे।
दसवें स्थान में भी शनि महाराज जी कर्म क्षेत्र से हम देखते हैं शनि महाराज जी यहाँ पे हो तो पिता पुत्र में भी कई बार आपस में मनमुटाव और जो बिजनेस व्यापार पिता का होगा वह कई बार बच्चों के प्रति जिम्मेदारी पिता के बिजनेस को देगा तो बच्चे वहाँ पे बिजनेस व्यापार करने में असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि का जैसी का जैसा कार्य हो उसी कार्य के अनुसार आपको अलग अलग स्टेप बाय शनि का उपाय आपको करना है। जी पंडित जी ऐसे में ये भी बताए कि शनि की जो साढ़े साती होती है उसके बारे में डिटेल्स दे क्योंकि साढ़े साती सुनते ही दर्शक डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि शायद कुछ अगले साढ़े सात सालों में या फिर साढ़े सात महीनों में कुछ बुरा उनके साथ होने वाला है, तो किस तरह से होता है, किस तरह से प्रभाव डालता है। देखिए यहाँ पे दो बातें देखी होती है, शनि आपकी कुंडली में देखना क्या है कि शनि आपकी पत्रिका में नीच का है, शनि आपकी महाराज दशा में किस भाव में बैठा हुआ है। शनि की ऐसा नहीं कि शनि से आपको केवल साढ़े साती सुनने से आप डर जाएंगे, भयभीत होने कुपित हो जाएंगे। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ होगा तो आपको इतना धन देगा बिजनेस व्यापार आपको एक बिजनेस व्यापार से आपके चार चार बिजनेस व्यापार आपके स्वतः खुल जाएंगे। लेकिन कब खुलेंगे, जब शनि की दृष्टि आपके जीवन में शुभ दृष्टि हो, शनि आपके अपने भाव में बैठा हो, शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, तो बिजनेस व्यापार में शनि के लोहे का व्यापार यदि आप करें, केमिकल से संबंधित बिजनेस व्यापार करें, इन व्यापारों में आपको शनि महाराज बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं और बहुत कुछ व्यक्ति को देता भी है। अभी यही शनि की महादशा यदि आपकी पत्रिका कुंडली में साढ़े साती है, शनि आपके धन के भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो या कर्म के क्षेत्र में विराजमान हो तो व्यक्ति को वहाँ पर उल्टा फल मिलेगा। जैसे मैंने बताया अच्छा खासा बिजनेस व्यापार चल में नुकसान होना, ऐसा नहीं कि आपकी किसी अन्य ग्रह की दशा गुरु बृहस्पति की दशा चल रही होगी तो आपको वहाँ पे फल अच्छा तो दे रहा है, लेकिन शनि अपोजिट भी आपको वहाँ पे बिजनेस देगा, फल उसको आपको अपोजिट मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में आपको क्या करना होगा इसका उपाय भी पंडित जी जरूर बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भविष्य दर्पण में, अपना नाम बताएं, अपने जन्म की तिथि और जन्म का समय बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ जी। जी जी सुभाष जी नमस्कार। हाँ जी मैं कुल्लू, मेरा जन्म कुल्लू का है, 1974। जी जी की तारीख बताइए सर। तारीख बताइए मतलब आपको आपको सुभाष जी अपने बच्चों की पता है, अपनी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, उसके बारे में भी एक बार आप जानकारी लेंगे तो उससे भी आपको ज़्यादा पता चलेगा और आपको अच्छा समय आपको आने वाले भविष्य के बारे में बताया जाएगा। बच्चों की आप डेट ऑफ बर्थ है आपको पता? हाँ जी, एक लड़के का पता है, उसका नाम अनिल है। जी जी, उसका 2002 में हुआ है वो। तारीख बताइए उसकी। तारीख है वो मार्च 15 मार्च 2002। हाँ जी 2002 और दिन सुबह के टाइम का 8 बजे। जन्म का समय क्या है इसका? 8 बजे सुबह 8 बजे। जन्म कहाँ हुआ इसका? इसका हुआ जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जी। सवाल क्या है सुभाष जी, बच्चे के लिए क्या जानना चाहते हैं आप बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में ये जानना चाहता हूँ उसका बड़ा भाई है, मतलब उसका शादी का विवाह का सोचता हूँ इस बार तो क्या है क्या? जी जी जी, शादी विवाह के बारे में। हाँ जी, अभी तो देखिए उसकी पढ़ने की उम्र है, अभी तो देखिए शादी विवाह के बारे में सोचना जरूरी है, माता पिता है आप देखिए, लेकिन फिर भी देखिए सुभाष जी बताना चाहूँगा बच्चे के लिए, अभी आप कैरियर पे देखिए ध्यान दीजिए आपको बताऊँ मैं, क्योंकि बुध की दशा राहु देखिए वर्तमान समय आपके बच्चे की कुंडली पत्रिका में महादशा से पीड़ित है पत्रिका आपके बच्चे की, और काल सर्प दोष भी कुंडली में दिख रहा, उसके लिए आपको करना क्या है, बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, बच्चे का एजुकेशन बहुत बढ़िया हो, शिक्षा दीक्षा बच्चे की अच्छी हो, यहाँ पे कैरियर विशेष करके आपको ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, बच्चे का जब से जन्म हुआ तो पिता के लिए बहुत अच्छा लाभकारी है, यानी पिता का जो भाग्य होता है पिता से क्या बिजनेस व्यापार का सुख मिलेगा वहाँ पे पिता के लिए दर्शाता है कि जब से बच्चे का जन्म हुआ बिजनेस व्यापार में आपकी तरक्की उन्नति का युग बहुत सुंदर बना है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा की युक्ति है थोड़ी सी, कई बार इस उम्र अवस्था बच्चे क्या है गलत रास्ते पर चले जाते हैं, माता पिता की बात को बच्चे नहीं मानते, अक्सर बच्चे झूठ बोलते नहीं उसको बोलते कटु वचन बोलते हैं, वाणी दोष भी हो नहीं, बच्चे अक्सर बहानेबाजी करते हैं, बच्चों को खेलने कूदने मन ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा संयम बरतने की बात है आपको। और राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह देखिए होता है, देखिए अनावश्यक बच्चों को चोट लग जाना, अनावश्यक बच्चे शारीरिक कष्ट हो जाना, ऐसी परेशानियाँ आती हैं, तब बुध और राहु का उपाय करें, यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं बेटे के लिए और आने वाला रिश्ते की बात समय है। तो मेन आपका कार्य है कि बच्चे कैरियर बढ़िया जाए,
बच्चे की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, एजुकेशन बच्चा अच्छा कर लेगा तो उसके रिश्ते भी बहुत बढ़िया सुंदर आएंगे और आने वाला माता और पिता के लिए समय बहुत सुंदर रहेगा। जी उम्र अभी एजुकेशन की है, ऐसे में अभी आप उस और ज्यादा ध्यान दें, शादी ब्याह तो आगे जाकर जब एजुकेशन अच्छी होगी अच्छी नौकरी होगी तो अपने आप हो ही जाएगा। पंडित जी बढ़ते हैं आगे, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, लोग डर जाते हैं, साढ़े साथ ही शनि के बारे में बात की, अढ़ैया के बारे में, मार्केश के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही उस विशेष उपाय के बारे में भी बता दीजिए ताकि लोग डरे ना, उस विशेष उपाय को करके वो निश्चिंत हो जाए। बिल्कुल, देखिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, देखिए सिपाही डरने से कोई देखिए कार्य नहीं होता, और क्या जीवन है तो देखिए संघर्ष होगा बिल्कुल निश्चित, और उस संघर्ष से व्यक्ति को कभी भी डट के मुकाबला करना चाहिए और ऊंची सोच रखे। जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को सोचे मैं तो पराजय हूँ, सफलता नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति वहाँ पे हार जाता है। तो आपको अपने लिए स्ट्रॉन्ग रखना है और ऊंची ही सोच रखी तो आपके हर कार्य आपके बनेंगे। तो आपके लिए विशेष करके उपाय क्या करने हैं दर्शकों के लिए, जो दर्शक परेशान है शनि के लिए उपाय करना है, और कौन सा उपाय करना, यदि व्यापार से यदि परेशान है तो श्री शुक्र पुरुषोत्तम का यहाँ पे आपको पाठ करना है। आपका अच्छा खासा बिजनेस व्यापार खत्म होगा, बिजनेस चल रहा था, बिजनेस में तेजी दृष्टि शनि की पड़ गई, शनि महाराज की मानसा आ गई, शनि की साढ़े साथी आ गई, तो यहाँ पे शनि का आपको उपाय करना है। आपको लोहे की वस्तु का दान करने का विशेष महत्व, यदि आपका बिजनेस व्यापार लोहे से संबंधित या धातु से संबंधित बिजनेस व्यापार है, शनि की महादशा है, तो उस चीज़ का जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, जो सामान आप बेचते हैं, उसी वस्तु का आप दान अवश्य किया करें। शनि के उस चीज़ को नहीं, आप उस चीज़ को करने से, दान करने से क्या होता है कि शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, और उस दिन आप अपने लिए नीले कपड़े धारण करें, या हो सके काला कपड़ा पहने, पैंट पहने, शर्ट पहने तो काला, यानी दो में से एक कपड़ा काला आपका जरूर होना चाहिए। तो और वाकई में ऐसा होता है पंडित जी, मतलब काला और नीला रंग शनि महाराज को कुछ ज्यादा प्रिय, बहुत प्रिय शनि ग्रह के लिए है जी। और कहते हैं जो जिस व्यक्ति का कलर होगा उसको बहुत प्रिय होता है, तो शनि महाराज के लिए ऐसा करने से आपके जीवन परेशानी जो होगी वो आपकी परेशानी दूर होगी, परेशानियां दूर होंगी और आपके अच्छे दिन आएंगे, और आपका आने वाला पूरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजरेगा, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताएं, अपना सवाल पूछिए, लेकिन सवाल के साथ साथ स्पष्ट तरीके से और अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम रखते हुए अपने जन्म की तिथि और जन्म का समय बताएं। हेलो, हेलो जी, अरे के बारे में पूछना था पंडित जी। किसके बारे में? बच्चे अपने बच्चे के बारे में। अच्छा अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या आपके बच्चे की? 17/9/97 17/9/97 जी जी जी। समय क्या है आपके बेटे का? 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम के 6 बजे। जन्म कहाँ हुआ बेटे का आपके? आगरा। आगरा। सवाल क्या है, सवाल कीजिए आप। आपका मांगलिक के लिए केवल सवाल है आपका? जी जी, मंगली है और इसकी शादी कब होगी? चलिए देखिए, आपके बेटे का जन्म दी कुंभ लग्न की पत्रिका बताना चाहूंगा यहाँ पे, और कुंडली में देखिए बुध के साथ में गुरु और चंद्रमा की देखिए मार्शा चल रही है। यहाँ पे सवाल देखिए मांगलिक का है, देखिए मांगलिक आपके बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, क्योंकि मंगल आपकी बेटी की पत्रिका में 9वें भाव में है, और तो मंगल दोष पूर्ण रूप से ना तो आंशिक दोष है ना पूर्ण मांगलिक दोष है, यहाँ पे मंगल का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब बात है देखिए आपके बच्चे के लिए शादी और विवाह के लिए, तो शनि महाराज देखिए वक्री होकर के विराजमान, गुरु बृहस्पति भी देखिए वक्री है, आपके बेटे का जो विवाह का 25 साल से लेकर के 24 साल के बीच बेटे का विवाह का योग अच्छा सुगत और मंगलमय बन रहा है, इसी बीच में ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की दशा में विवाह करने के लिए भाग्यशाली होता है बच्चा, लक्की होता है। और इसके बारे में आपको बताऊं मैं, आने वाला समय आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बुध देखिए 7वें भाव में राहु के साथ विराजमान है, विवाह का योग तो जल्दी बना देता है, लेकिन कई बार विवाह का उस समय होता है आगे जाके टल जाता है और आगे जाके विवाह होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप बुध का उपाय आप जरूर करें, जिससे आपके बच्चे का विवाह बहुत अच्छे घर परिवार में हो, ऐसा करने से आने वाला समय आपकी बेटी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल पंडित जी, ये भी बताएं जी, जी जिस तरह से शनि के कुप्रभाव के बारे में हमने जाना जी, जी। कि अगर टेढ़ी नजरे हो शनि महाराज की तो कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए, कैसे समस्याओं का समाधान आप अपने पा सकते हैं विशेष उपाय के जरिए। अब लोगों को ये कैसे पता लगे कि उनका शनि अच्छा चल रहा है, ये कैसे वो जाने की
शनि उनका अच्छा है या फिर उन्हें प्रसन्न और करने के लिए, या फिर उनका खराब समय आए ही ना, वो फिर किस तरह से आगे अपने भविष्य के बारे में वो अपनी रणनीति बना सकते हैं? देखिए जिसका देखिए सही समय होगा देखिए बताऊँ मैं, वो लोग तो देखिए बहुत ही कम जो कुंडली का विवेचन कराएंगे दर्शक करेंगे, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि जो लोग वाकई में देखिए अपने समय को सोचता है और स्ट्रॉन्ग जाए और मेरा व्यापार अच्छा बढ़े और आने वाला समय मेरे लिए बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, वाकई में देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी जीवन खुशियाँ और हों, एक व्यापार है दूसरा व्यापार, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी मेरे पास जीवन में आ जाए, तरक्की उन्नति कैसे हो, तो उसके लिए देखिए शनि चालीसा का और शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ऐसा नहीं कि समय आपका बहुत बढ़िया चला तो आप उस ग्रह का शनि का पूजा करना भूल जाएं, उसको बिल्कुल ना मनाएं, नहीं, शनि को आप नियमित तौर पर आपको डेली नहीं, आपको केवल प्रत्येक शनिवार आपको नियम बना लें कि आपको शनि की पूजा करनी है, शनि मंदिर में जाकर के आपको सरसों के तेल का दान करना ही है, शनि मंदिर में जाकर के आपको लोहे की वस्तु का दान करना है, और शनि के लिए आपको अपने वस्त्र को पहनना भी है, जो मैंने बताया कि नीला कपड़ा शनि को बहुत प्रिय है, काले कपड़े शनि महाराज को बहुत प्रिय हैं, काला टीका भी बहुत प्रिय, व्रत की दाल का हवन कुंड का जला हुआ टीका भी आप काला लगा सकते हैं शनि के लिए, और शनि के लिए अपने घर में दुकान में बिजनेस व्यापार में नींबू और मिर्च का ही टांगने का विशेष महत्व बताया गया। इन सभी उपाय के साथ साथ पंडित जी अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सीधी सीधी नजरें शनि महाराज की आपके कर्मों पर रहेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो साथ साथ शनि महाराज सजा भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जैसे आपने दर्शकों तो सवाल पहुंचाया दर्शकों, कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक नमस्कार। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर ठीक 8:30 बजे भविष्य दर्पण के साथ। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।